आ गया हूँ मैं दौलताबाद किले के अंदर। ये पहला दरवाज़ा है, एक बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा मैं चालाकी किया या जो भी किया मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, बट उन्होंने बोला कि इस कैमरे का भी 2500 रुपये चार्ज लगेगा। मैंने बोला कैमरा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए है, ये वीडियो लेने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 2500 रुपये बचा लिए। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन अब क्या करूँ यार, हम हैं आदत से मजबूर। बहुत मज़ा आ रहा है, विशाल किले के अंदर चले आ रहे हैं। और किधर जाना भाई, इधर जाना है, इधर तो कुछ है नहीं, इधर ही चलते हैं अपन। ये देख लीजिए किला, बहुत बढ़िया किला है। तो अभी हम किले के अंदर एंटर कर रहे हैं और मैं सुबह सुबह 8 बजे निकला हूँ। बढ़िया शांति है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का ही होता है। आप जल्दी जल्दी बस भाग के पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास टाइमिंग। और इसीलिए अपन ने एकदम करेक्ट टाइम किया है। एक नंबर यार, एक नंबर, मज़ा आ रहा है। पुरानी चीज़ों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये जो किला है, इस किले का नाम है देवगिरी किला। इसको दौलताबाद जगह पर है और इसको यादवों ने 11th सेंचुरी में किया था। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद बहुत सारे मुग़ल वंश आए और लास्ट में ये मराठाओं के पास था। कहते हैं ये किला आज तक जीता नहीं गया, ये अजय है, क्योंकि इतना पेचीदा बनाया गया है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे उसके हिसाब से, मुझे आज कंफर्म करना है क्या वो सही बातें हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे। वो जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के ऊपर मुझे जाना है। ये देखिए, ये है ओपन एयर कैनन गैलरी। सिर्फ तोपें ही तोपें रखी हैं, छोटी बड़ी हर प्रकार की तोपें यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत सारी तोपें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये सामने एक मीनार खड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही शानदार। यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ पर मेरे को जाना है, सांस फूल गई है। ये है फोर्ट से व्यू, सामने मीनार, हम वहाँ नीचे से आए हुए हैं, वहाँ नहाने का कुछ लग रहा है मेरे को। और ये जगह थी सबसे प्यारी चीज़ मालूम क्या, ये देखो ये तोप कितने साल पुरानी हो गई डोंट नो, बट आज भी एकदम नई की नई रखी हुई है। थिंक तांबा है यार, क्या खूबसूरत चीज़ है ये, एक नंबर, एक नंबर। ये इकलौता एंट्रेंस होगा यहाँ पे जाने का, अगर ये पुल टूट जाए तो आप जा नहीं सकते। और ये देखो यहाँ पर गहरी खाई, पानी भरा हुआ है, ऐसे मगरमच्छ हो सकते थे, होते होंगे उस टाइम पर, जब दुश्मन आता होगा तो उसको बर्बाद कर देते होंगे। खतरनाक एक्सपीरियंस हो रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त वाला। नीचे एक भैया मिले, उनसे मैंने पूछा भैया अंधेरी गुफा से रास्ता बता दो, मैं घूम फिर के वापस नहीं लौट गया हूँ। उन्होंने बताया आगे से जाओ, ऊपर चढ़े आओ पहले, नीचे उतरना राइट लेने का। ओहो भाई साहब, फिटनेस है तो हिटनेस है, सिंपल सी बात ये है। सांस चढ़ गई है ऊपर आते आते, सही तारों में, मतलब यहाँ पर जो राजा रहे होंगे, महाराजा रहे होंगे ना, उनका दुश्मन होना मतलब हैट्स ऑफ हो गया। सही तारों, सांस फूल गई भाई, सांस फूल गई है। कितना ऊपर आ गया हूँ देखो, सीढ़ियाँ होती हैं थकाऊ, इसलिए हम चल रहे हैं अब रैंप पे, थोड़ा संभाल के, लेकिन एक गलती और आप नीचे, इसलिए थोड़ा सा आराम से।
थोड़ी जान में जान आई, ये चीज़ ना वर्थ हो गई आज, इसका पैसा वसूल हो गया। पानी की बॉटल नहीं कैरी करना पड़ता, डिकैथलॉन पे जाओ, 2 लीटर का ब्लैडर लो, पानी भरो, पीछे टांगो और पीते हुए चलो। अर्थ है पता है, इतनी ऊपर आने के बाद ना आपको क्या व्यू देखते हैं, क्या व्यू नजर आता है देखो आप। ये और दिखाते हैं आपको, ये है अपना व्यू आज का, अल्टीमेट अल्टीमेट यार। अभी और ऊपर जाना है तब आएगा मजा। तो फाइनली सबसे ऊपर, किले के सबसे ऊपर आ गया हूँ मैं। मतलब आप देख रहे हो कहाँ से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, वो वहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है, सबसे ऊपर है। और देखिए सबसे मज़ेदार चीज़, मतलब अद्भुत चीज़ इसको बोलनी चाहिए, वो उसके लिए हम आए थे, और वो है ये हमारी तोप, इसके लिए आए थे बस। क्यों ना मना है, आग लग जाएगी तोप चल जाएगी। मज़ा आ गया भाई, इतना ऊपर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, एक नंबर है यार, एक नंबर। मज़ा आ गया लेकिन, हाँ 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 हाँ, पूरा किले का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सामने उस जगह पर पार्किंग है, फिर वहाँ से ऐसे चलते हुए वो मीनार, ऐसे यहाँ पे बीच में आते हैं उठते 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 उठते, और यहाँ से आते हैं फिर ऊपर की तरफ। ये है पूरा व्यू इस जगह का। अब आ गई ये बारी नीचे आने की, तो अपन नीचे उतर रहे हैं किले से और थोड़े से फोटो वोटो लेंगे यहाँ पर। मज़ा आ गया लेकिन ऊपर जाकर, बहुत ही अच्छा लगा। चले तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, साथ तो कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना, दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। वो सामने एंट्रेंस पे लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे चढ़ते हैं, वहाँ पे दिखते हैं, यहाँ से फिर ऊपर आते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके ऐसे आए, फिर यहाँ से ऊपर चढ़े, अंधेरी गलियों में आप खो जाएंगे, उसके बाद आप ऊपर आएंगे इस जगह से अंदर से होते हुए। और अब आ गए हम सबसे रोमांचक जगहों में से एक, अंधेरी गुफाओं में। यहाँ पे अगर आप एक बार रास्ता भूल जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मैं भी शायद नहीं दिखाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत ही आराम से सोचो, ये अभी लाइट जलाने के बाद इतना अंधेरा है, अगर यहाँ पर लाइट ना हो तो पता नहीं कितनी अंधेरा होगा, कोई चढ़ना नामुमकिन हो जाएगा किसी के लिए भी। बस हमें तो गाइड किया गया था तो हम तो आ गए कैसे भी करके, मैं तो एक बार लौट गया था वापस यार, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पर कुछ तो भी होता होगा यार, ऐसे आ रहे हैं लोग, तीर कमान छोड़ रहे हैं, पत्थर वगैरह इतने गिरा दिए, कुछ भी कर सकते हैं यार, कितने चालाक रहे होंगे इसको बनाने वाले। चलो जरा मैं नीचे उतरता हूँ, खुद देख लीजिए कितना अंधेरा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, संभल के उतरना पड़ रहा है यहाँ से। ये देखो ये आ रहे हैं सामने से लोग, ओह माय गॉड, इधर इधर इधर, दिस वे दिस वे, थैंक यू, डोरियन कंफ्यूज, इट इज़ टू मच। और ये देखिए यहाँ से भी एक रास्ता होगा जाने का उधर, यहाँ से भी एक होगा, हमको इधर से आना है। बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है ये, डरावनी इन द सेंस कि अगर आप आ रहे हैं संभल के, ये अंधेरी गुफा है, कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है, पूरा यहाँ से रास्ता है उधर से भी रास्ता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आगे रास्ता है, नहीं आगे से बंद है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई। ये देखो यहाँ पर एक छेद बनाया गया छोटा सा, ये देखो यहाँ पर एंट्रेंस था जहाँ से मैं आया था, बहुत ही डरावना, मतलब उस टाइम पर अगर कोई आएगा तो लिटरली वो अपने प्राण गंवाएगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए बहुत बढ़िया मज़ा आ गया।